ये देखो भैया, ये चंदन को दिया था आज ट्रैक्टर चलाने को, और उसके हाल ये कर दिए हैं। मतलब ये जो है तोड़ दिया ये। अब देखते हैं आवाज़ कैसी आती। हाँ, लकड़ दे चालू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम हमारी सोयाबीन के लिए थोड़ा से लेट तो हो गए हैं, लेकिन हम बना रहे हैं ब्रेड और इसके ऊपर डालेंगे ड्रिप, ताकि जो लेट हुए हैं उसका हमें नुकसान नहीं उठाना पड़े। उस हिसाब से हम ऐसा प्लानिंग जमा रहे हैं अभी। तो चंदन भाई, ये लो, इसके वीडियो बनाओ। ये देखिए भाई साहब, ये हमारी सोयाबीन की तैयारी चल रही है। ब्रेड बन रहे हैं हमारे भाई साहब, ब्रेड बना रहे हैं। ये देखिए, इस पे बोएंगे हम सोयाबीन। ऐसे में तो ये शाम कर देंगे क्या, मेरे को बैठना पड़ेगा अभी। हमारा छोटा ट्रैक्टर था, मतलब ये वाला ट्रैक्टर, इसके जो चक्के हैं वो स्लिप मार रहे थे, तो हमने उसको चेंज किया। अब ले चलते हैं फोर व्हील, इससे करेंगे, क्योंकि इसमें अच्छी पावर है और ये आसानी से मतलब उसको सीधा सीधा कर देगा। ये जो है वो उस मशीन को कहते हैं बेड प्लांटर, मतलब बेड बनाने वाला प्लांटर, उससे बेड बनते हैं। इसके अंदर एक और सिस्टम आता है जिसमें मतलब बेड के ऊपर बो हो जाता है, खाद भी बोया जाता है, पर हम इसमें सुपर डालेंगे। तो सुपर जो है हम लेवर से डलवाएंगे, पाउडर वाली सुपर, क्योंकि पाउडर सुपर जो है वो थोड़ी सस्ती भी मिलती है और फायदेमंद भी रहती है। देखो, ये इस प्रकार का बेड बनाएगा, और हमारा टारगेट है इस साल कि एक बेड पे दो चांस लेने हैं, और दो चांस के बीच में 5 फीट की दूरी लेनी है ड्रिप में। अब देखो कितना हमारा पौधा बड़े होते हैं या नहीं होते हैं, उसका भी हमको पता चलेगा। उठाओ, और उठाओ, बस रुक जाओ जरा। ले रिवर्स, थोड़ा सा और रिवर्स, और रिवर्स, हाइड्रोलिक नीचे कर दियो। ये भैया चंदन भाई डान, ये हमने इसमें लगा दिया है। अब इसको हम लेके जा रहे हैं हमारी फील्ड पे परफॉर्मेंस लेने के लिए।
बिल्कुल नया इक्विपमेंट है वैसे हमारे यहाँ, मिर्च के लोगों के लिए है वैसे मेन तो, पर हम भी अब इसको ट्राई करेंगे। एक चीज़ करना भूल गए कि वो जो पिन इनकी जो होती है वो पिन नहीं लगाई तो वो बार बार दोनों साइड हिल रहा है। तो ये पहली लाइन ऐसी मारी कि ये पूरी आड़ी तिरछी कर दी। मैंने ही मारी वो भी जॉन डियर से। अब चंदन भाई मार रहे हैं। कर दियो सांप बना दियो। हेलो भैया, मेरे को बोल रहा था कि एकदम सीधी लाइन खींचूंगा कि तुम भी याद रखोगे। और मैं बताता हूँ, देखो जी, ये देख रहा सांप बीच में ये बनाया। कहीं कहीं पर फोर व्हील का फायदा ये होता है कि इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्रैक्टर का चक्का आड़ा चला रहे हो या तिरछा, बस इसे निकलना होता है जिस जगह से आप ले जा रहे हो। सीधो कर दे, एक है जैसे सांप मत बना। अगर सीधो कर सीधो बना, भले ही वो चौड़ा निकल जा। पेड़ जो है भैया सीधे नहीं बन रहे, बस ये एक समस्या चल रही है। बाकी तो जो जॉन्डियर चला रहा था, जॉन्डियर से पेड़ चौड़ा नहीं हो रहा था, मतलब ज्यादा मट्टी नहीं सोरते बन रही थी, वो सीधा चला रहा था। और इसको क्या है कि मिट्टी सोरने में दिक्कत नहीं है, ये आसानी से मिट्टी को खींच लेता है। ये वेट कुछ सीधा बन रहा है। Thank you.
सीधो करेगा, सीधो कर और ये इधर का बखर का डबल से कर देगा ये तीन बेड। भैया आज के दिन में हमारे यहाँ क्या हुआ है कि इधर छवाई हो गई है लगभग 90% कंप्लीट। इधर ये दीवार उड़ गई है और ये भैया उनका काम चल रहा है और इधर दो मिस्त्री चल रहे हैं, इधर दो, इधर और इधर जो है, इधर किधर मतलब दूसरी साइड में, दूसरी साइड में थोड़ा सा मामला जो है लगभग कंप्लीट हो गया है। तो इसकी जो हमारा प्लान ये है कि इसका जो टीन सेट है वो जो बना हुआ था उसको अब धीरे से सेट करवा देंगे, मतलब इधर लगवा देंगे, तो वो काम बहुत समय से हो जाएगा। ये वाला मतलब अब कंप्लीट हो गया, इधर का स्लोप ये दोनों साइड से हाइट काफ़ी ज़्यादा उड़ गई है पर अब बहुत ऊँचा दिखता है। अब हम चलते हैं हमारे ट्रैक्टर के पास। तो भैया हमारे चंदन भाई जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो स्वराज है उसके मज़े ले रहे हैं, मतलब बढ़िया उससे ये सीधी लाइनें बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बना दी है। अरे बना दी यार, अरे नहीं यार, एकदम सीधा कर दिया हो, देखो बहुत बढ़िया लाइन बनाई। तो ये जो बेड है, एक बेड पे दो चांस लगाएंगे हम सोयाबीन के और इसमें ड्रिप डालेंगे और अच्छे बेड बड़े बनाए हैं तो इस साल हम इस पर बोएंगे सिस्टमेटिक तरीके से लाल तुअर, क्योंकि इस साल हमें पता चला कि लाल तुअर का प्रोडक्शन अच्छा खासा आता है। तो कुछ जलने की खुशबू आ रही है, क्या जलने की खुशबू आ रही होगी यार। बाकी एक बात है कि ये फोर व्हील वाले ट्रैक्टर में ज़्यादा अच्छी लाइनें बनती है, क्योंकि इसमें फ्रंट व्हील जो होता है वो बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है कि आदमी को ज़्यादा वो मिल जाता है। गुस्सा देख रहा हूँ सामने वाले में, जैसे बिल्कुल सब काम यही कर रहे हूँ। हाँ
पेट बड़े बन रहे ना। ये देखो भैया, ये चंदन को दिया था आज ट्रैक्टर चलाने को, और उसके हाल ये कर दिए हैं। मतलब ये जो है तोड़ दिया ये साइलेंसर को, उसमें काई में फंसा दिया गन्ने अपने ये आम में, आम के पौधे में फंसा करके जो तोड़ा। तो ये लो, साइलेंसर साबुत है कि पिन सही ध्यान से निकल का हो, बताओ। मतलब अच्छी खासी ताकत लगाई ट्रैक्टर ने, कर दियो बराबर हो गया। यो बिल्डिंग से थोड़ी चला गो आप, यो गैस बिल्डिंग हो, गैस बिल्डिंग में देखा तो नया लानू पड़ेगा। अभी तो गैस बिल्डिंग से चला ले, फिर हमें जब टर्बो डलवाएंगे नहीं तो या किट बदलाएगी तब नहीं डलवा लेंगे, अगर खोलना पड़ा हो। पहले एक बार चालू कर तो, एक कसी आवाज आ रही है अब देखा तो। अरे फंसा क्यों रो, निकाल नहीं हो के। और बताओ ऐसी ऐसे गाड़ी चलाएगा कि मतलब सुधा ही नहीं अपना खा कि सामने काई सामान आ रहा और काई चला रहा है। तुम तो आसम कई का दिन मनुष्य को ऊपर चढ़ ही देगा। हाँ तो आवाज तो गजब को कर रहा है। वो सेल वो दवा पूरो क्लच रेस दीजिए। आवाज तो बढ़िया आ रही है, बंद कर दे। बगैर साइलेंसर का आवाज मतलब बहुत ही खतरनाक आया यार। ये लो भैया, एक काम बढ़ा दियो है और फिर उसके बाद अब हंस रहा है। अब एक काम करो का, खोल ले ये नट उनका भी खोल ले जा, और एक प्रॉपर ग्रेस बिल्डिंग करवा के या किट लगवा के एक वापस लगा दीजो। फिर जब ये हमें टर्बो डलवाएंगे, जब ये नई नया वो डलगो शायद की यही वाला डलगो, फिर नया डाल लेंगे। कौन बोलता है कि टूटेल, वो तो टूटेल चीज तो दिख रही टूटेल है। कर दो निकाल ले, अब ये एक खोल ले भाई इनका दो ही। हाँ वे नट खुलेगा नहीं, दो ही ये दो ना। और ये साइलेंसर का मत तोड़ लीजिए ऐसे घुमाना फिराना में। ऐसे उल्टे काम करते हैं और हमारा नाम लेते कहीं नहीं। वो तो हमारा जैसा लोग है जिनका गुस्सा नहीं आती, और किसी को होते तो पहले तो दो बार टिका दो, या आंसू का आंसू कर दियो तो आंसू हुगो, तो ट्रैक्टर का ही वो फोड़ दियो। भले वो इतना से टूटे लेकिन बता तो इतना जैसे इंजन ही फोड़ डाले हो। लो भैया, तो अब पूरा साइलेंसर ही हेड़ दिया है, बिना साइलेंसर का ट्रैक्टर बना दिया है। अब देखते हैं आवाज़ कैसी आती। हाँ ले कर दे चालू। अब ये मशीन छोड़िया, हाँ ले जा और छोड़िया जे, ये सामान रखा है तो जिनकी है उनका रिटर्न। ये यहाँ से टूटा है और ये पत्ती, अब ये एक तो हम ऐसे डायरेक्ट बिल्ड करवाएंगे, ये इसमें ऐसा लगा के सीधा बिल्डिंग। भीड़ में बिल्डिंग चिपकेगी कि नहीं, गैस बिल्डिंग भीड़ है, गैस बिल्डिंग, गैस बिल्डिंग भी मुश्किल ही हुई जाए। नॉर्मली बिल्डिंग चिपका दीजिए रे, तुमसे नीचे नीचे जो है नी दो ही साइड से बिल्डिंग नॉर्मल वाली लोहो है, जोरदार चिपक जाएगी।
ठीक है, ये इधर की भी कंप्लीट करके लिया जो, फिर कस दीजो, अभी ट्रैक्टर ले जाओ और छोड़िए।